हमेशा की तरह आप सभी से इस बार फिर हमारा वही निवेदन है कि अगर आपने हमारा चैनल आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारा निवेदन स्वीकार कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो व खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। वैसे तो हमने आपको अतिक्रमण से जुड़ी दो खबरें दिखा चुके हैं, लेकिन अब जो हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं वह पूरी खबर विस्तार से है, तो आइए शुरू करते हैं। आज फतेहगढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हाई प्रोफाइल ड्रामा व बवाल हो गया। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की भूमि पर दशकों से कब्जा कर बनाए गए भवन जमींजोत किए गए। कई भवनों को हटाने में तो बुलडोजर के भी पसीने छूट गए। अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस और प्रशासनिक लोगों के साथ हाथापाई तक कर दी। बाद में पुलिस ने हंगामा कर रहे युवकों को हिरासत में लेकर कोतवाली भेज दिया। दरअसल जिला जेल चौराहे से पुलिस लाइन तक अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की भूमि पर 32 दुकानें व मकान अवैध निर्माण से बने हुए हैं, जिनको बीते दिन तोड़ने के आदेश नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव की तरफ से दिए गए थे। लिहाजा उसके बाद भी अधिकतर लोगों ने अतिक्रमण नहीं तोड़ा। बुधवार को सुबह पुनः जिला जेल से पुलिस लाइन तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की भूमि पर कब्जा का बनाए भवनों को जमींजोत किया गया। लिहाजा जगह जगह प्रशासन को भीड़ का सामना भी करना पड़ा। दरअसल पुलिस लाइन के सामने ग्रानगंज में गुड्डू सागर, मनोज सागर पुत्र अरविंद की संजना फर्नीचर हाउस के नाम से दुकान थी, जो कि अतिक्रमण की जद में आ गई। जब जेसीबी उनके मकान को तोड़ने पहुंची, जिस पर गुड्डू व मनोज ने नगर मजिस्ट्रेट से समय मांगा, लेकिन पूर्व में दिए समय जाने के कारण लेकिन उन्होंने आज समय देने से साफ इनकार कर दिया। जेसीबी जैसे ही उनका मकान तोड़ने के लिए आगे बढ़ी तो भवन मालिक और उनके घर की महिलाओं ने इसका कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया, पर वह घर के भीतर भी चले गए, जिससे कि जेसीबी ना चल सके। जब पुलिस और प्रशासनिक कर्मियों ने उन्हें घर से बाहर निकालने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस कर्मियों पर भी हमला बोल दिया, जिसमें फतेहगढ़ कोतवाल जेपी पाल बाल बाल बचे। मारपीट के दौरान एक सिपाही भी गिर गया। इसके बाद पुलिस ने गुड्डू और अरविंद को हिरासत में ले लिया, कोतवाली भेज दिया। गुड्डू की दुकान पर बाबा के दो बुलडोजर तकरीबन 2 घंटे तक चलते रहे, तब जाकर बमुश्किल से उनका भवन ढाया जा सका। ऐसा मालूम पड़ता था काफ़ी मजबूती से बनाया गया था भवन। पास एक बीजेपी नेता की दुकानें भी तोड़ी गईं, जिसमें बैटरी रिक्शा की दुकान थी। साथ ही यहीं पर एक बसपा नेता के द्वारा भी वित्त निगम की जमीन पर दुकानों को बनाकर किराए पर दिया गया हुआ था। उन दुकानों पर भी बुलडोजर गर्जा हुआ दिखाई दिया। तो साथ ही अंग्रेजी शराब की दुकान व किराए पर चल रहे पोस्ट ऑफिस आदि को भी बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। तो वहीं शराब की दुकान टूटने से आसपास के ग्राहकों में भी मायूसी देखी गई। एक युवक ने नाम न लेने की शर्त पर बताया कि उनको अब फतेहगढ़ चौराहे तक की दूरी तय करना होगा, तब जाके अंग्रेजी शराब मिल सकेगी। साथ ही पुलिस लाइन गेट के सामने एक महिला पुलिसकर्मी ने अतिक्रमण कर दुकानें बना रखी थीं। उनका लेंटर अभी कुछ दिन पूर्व भी डाला गया था, लिहाजा अतिक्रमण होने के चलते नवनिर्मित दुकानों को भी गिरा दिया गया। इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव, अनुसूचित जाति विकास निगम अधिकारी रेणु, ईओ रविंद्र कुमार, नगर पालिका परिषद फरुखाबाद, कोतवाल, फतेहगढ़ जेपी पाल, वित्त निगम में सहायक दीपेंद्र सक्सेना, नगर पालिका से विनय शुक्ला आदि मौजूद रहे। रोज की अपेक्षा में आज 3 घंटे अतिरिक्त गर्जा बाबा का बुलडोजर। उसने इस दौरान किसी को भी नहीं बख्शा, चाहे वो बीजेपी नेता हो चाहे वो बसपा नेता हो। आप देख रहे थे पीपीएफ लाइव। हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दें कि प्रशासन किस प्रकार से काम कर रहा है। अगर आपके आसपास भी कोई अतिक्रमण है तो प्रशासन तक सूचना पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।
टूट गया ऊपर ऐसा हुआ है। महिलाएं बैठी हुई सब